नमस्कार, हम हैं लाइव और आप सभी का स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। कहानी क्लब द्वारा प्रस्तुति 25 मिनट 25 कहानियां। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम ये लाइव प्रस्तुति आप सब तक ला पा रहे हैं। तो जुड़िए, बनिए, बैठिए, तैयार हो जाइए देखने के लिए ये कार्यक्रम क्या होने वाला है। हम कुछ मिनट इंतजार करेंगे ताकि सब लोग आप लोग जुड़ पाएं। जैसे जैसे आप जुड़ रहे हैं, कमेंट का इस्तेमाल करें और हमें जरूर बताएं कि आप कहां से जुड़ रहे हैं। कहानी क्लब की ये पहली शो, ये पहली पेशकश है और ये बहुत ही खास है हम सभी के लिए जो आज यहाँ जुड़ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। जो कलाकार और जिन्होंने कहानियां लिखी है उन सब के लिए ये बहुत ही खास मौका है और मुझे आप सबके साथ ये मौका बांटते हुए बहुत खुशी मिल रही है। तो अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, तो अभी कमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए और हमारे साथ बातें शुरू कीजिए। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, 25 मिनट 25 कहानियां, तो ज्यादा समय नहीं लेने वाले हैं हम। आज के कार्यक्रम में हम आप तक बहुत सारी प्यारी प्यारी कहानियां लाने वाले हैं और ये कहानियां सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। तो इतनी सारी, इतनी ढेर सारी कहानियों के लिए 25 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। मुझे कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। हेलो शुभांग, शुभांगी जी, दीपा जी, तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत सभी का स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जुड़ रहे हैं और मुझे और भी लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये जो पहला शो है, ये जो हमारा खास शो है कहानी क्लब का, ये मैं आप लोगों के साथ, सभी के साथ बांट पा रहा हूँ। तो मैं बस कुछ मिनट लूंगा आपको ये बताने के लिए कि कैसे ये शो इस मोमेंट तक हम पहुंच पाए हैं। कहानी क्लब की शुरुआत हुई थी पिछले साल अनकही कहानियां प्रतियोगिता के बाद और हमने सोचा था कि हम एक छोटी सी जगह बनाएंगे जहां पे ऑथर्स, लेखक सब मिल सके, सब एक दूसरे से सीख सके, नए पुराने सभी लेखक। और उसी सोच के साथ कहानी क्लब की शुरुआत हुई थी जो कि अभी तक एक इनवाइट ओनली प्लेटफॉर्म, एक इनवाइट ओनली ग्रुप रहा है। और इसमें हमारे पिछले साल में कई जाने माने लेखक और कई नए लेखक भी जुड़े हैं और जिन्होंने इस ग्रुप को अपनाया है, इनके हमारे साथ इस ग्रुप को संवारने में लगे हैं। एक से 1.5 महीने पहले हमने ये एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम मैंने रखा था 20 सेकेंड कहानी। जी हाँ, आपने सही सुना, 20 सेकेंड स्टोरीज। और 20 सेकेंड स्टोरीज के अंतर्गत चैलेंज सबको ये दिया गया था कि आप ऐसी कहानियां लिखिए जो 20-25 सेकेंड में पढ़ी जा सके, इतनी छोटी कहानी हो जो कि कुछ ही समय में, कुछ ही मोमेंट्स में बहुत कुछ एक दुनिया खोल दे और इस तरीके से लिखिए कि उसमें कोई भी जॉनर लिमिटेड नहीं हो। तो इसीलिए आज जो आप जो कहानियां सुनने वाले हैं वो कहानियां हैं 25 ऐसी कहानियां जो उस प्रोजेक्ट से निकल कर आई है। और ये सिर्फ 25 चुनी हुई कहानियां है। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने कुल 150 कहानियां, जी हाँ 150 कहानियां हमने लिखी है और उसमें से हम ये 25 चुनिंदा कहानियां आप तक ला रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि भाई ये ऐरी गैरी कुछ भी हम कर रहे हैं, बहुत ही सोची समझी एक्सपेरिमेंट है और हम आपके साथ में ये पेश करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत कुछ बातें हैं जो मैं आपको और बताना चाहूंगा ताकि आप शो का पूरी तरीके से मजा ले सकें। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप सब कुछ भूल कर अगले 25-30 मिनट कहानियों का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, और उसके साथ में ये जो 25 कहानियां हैं ये 3 भाग में आपको सुनाई जाएंगी क्योंकि 25 कहानियां, हम नहीं चाहते कि भाई कुछ कहानियों के बाद ही आपको लगने लगे कि यार कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो 3 भाग में आपको सुनाएंगे ताकि आपको धीरे धीरे पता चले कि ये क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से हम सुना रहे हैं, किस तरीके से हम कहानी आपको सिर्फ सुना नहीं रहे, आपको पढ़ा भी रहे हैं। जी हाँ, कहानियों की जो लंबाई है, लेंथ है, वो सबसे छोटी कहानी कुछ 10 सेकेंड की है और बड़ी से बड़ी कहानी 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। तो 10 सेकेंड से 1 मिनट की कहानियां हैं
और कहानी सिर्फ आपको सुनाई और दिखाई नहीं देगी, बल्कि आप खुद पढ़ भी पाएंगे साथ साथ। मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप पढ़ने पे ना जाएं, बस कैरेक्टर्स जो उभर कर आ रहे हैं स्क्रीन पे हमारे कलाकारों के जरिए, उनका मजा ले, उनकी आवाज में सुने और देखें। लेकिन क्योंकि कहानियां इतनी छोटी है, हमने स्क्रीन पे भी हम डिस्प्ले करेंगे ताकि उन्हें फॉलो कर सके और आप साथ बने रह सके। इस बात का ध्यान रखें कि ये कहानियां कुछ पलक झपकते ही जा सकती है, तो अपने फोन को एयरप्लेन मोड में कर दीजिए ताकि कोई भी कॉल आपको डिस्टर्ब ना करे, या फिर लैपटॉप पर देखें और इस बात का गौर करें कि भाई कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डिस्टर्बेंस आसपास हो तो नहीं हो। इस तरह से आप इस शो का पूरी तरह आनंद ले पाएंगे। और साथ ही अभी के अभी और लोगों को इस शो में, इस लाइव प्रदर्शन में जोड़ने के लिए आप इस लिंक को, आप इस लाइव लिंक को अपने प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपके दोस्त, आपके जाने माने लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और एक साथ मिलकर एक लाइव परफॉर्मेंस देखने का हम सब मजा ले पाएंगे। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप तैयार हैं ये 25 कहानियां सुनने के लिए? शो के दौरान किसी भी समय आप कमेंट कर सकते हैं, आप रिएक्ट कर सकते हैं, हमें थम्स अप, हार्ट्स भेजते रहिए, क्योंकि 25 कहानियां हैं। तो आपको कहानियां कैसी लग रही है, कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी कहानी कम अच्छी लग रही है, ये हमें सिर्फ आपके रिएक्शंस और आपके कमेंट से ही पता चलेगा। तो किसी भी मोमेंट रुकिए नहीं, जो भी मन में ख्याल आए, जो भी मन में बातें आए, उन्हें कमेंट्स में डालते रहिए। इससे हमारे परफॉर्मेंस का भी मनोबल बढ़ता रहेगा और साथ में हमें पता चलता रहेगा कि भाई कैसी है कहानियां। तो बिना और विलंब के, बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, 25 मिनट 25 कहानियां, कहानी क्लब द्वारा डिसाइडेड, डिजाइंड, रिटन और भी बहुत कुछ। तो हमारे जो कलाकार है उनकी, उनके काम को सराहने के लिए आप तैयार हो जाइए और आराम से बैठकर अपने फोन, अपने लैपटॉप पर कहानियों का लुत्फ उठाइए। तो शुरू करते हैं 25 मिनट 25 कहानियां। मैनेजर पिता रात को बेटे को होमवर्क करवा रहा था। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं, समझे? स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। तभी बॉस का फोन आया। फोन रखकर पिता ने कहा, अब तुम खुद पढ़ो, बॉस के बेटे को पढ़ाने जाना है, आते आते लेट होगा, समझे? अरे तुम्हारी बड़ी बेटी के घर इतने नौकर चाकर हैं, बड़ी सी कोठी है, तुम वहां क्यों नहीं टिकती? बार बार छोटी के पास भागते हो। अरे उसके घर में तो इतनी सुविधाएं भी नहीं। अरे वो छोटी है ना, मेरे साथ ही बैठकर खाना खाती है। माँ सब बर्तन धोकर थकी मांदी बिस्तर पर आई तो बेटी ने पूछा, माँ शादी करते समय दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की? माँ बोली, अगर मेरी तरह जीना चाहो तो दिल की, नहीं तो दिमाग की। बेटी ने 2 साल से जुड़े बॉयफ्रेंड को छोड़ बॉस से शादी कर ली। अरे बेटा इतने महंगे कपड़े, बिस्तर, खिलौने, वो भी एक पालतू जानवर के लिए, क्यों पैसे खराब करता है? माँ जानवर है तो क्या, जान तो इसमें भी है ना। अच्छा चल छोड़, ये बता खाना क्या बना दूँ?
माँ एक्चुअली भूख तो बिल्कुल नहीं है। आज लंच में ना मटन बिरयानी थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तुमसे बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जो तुम्हारे सामने आता है ना, जो भी, उसका सबसे कलुषित पक्ष तुम उजागर कर देते हो। ऐसा है? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? मैं दर्पण हूँ, दर्पण। ये चाय आपने बनाई है? हाँ, क्यों? अच्छी नहीं बनी? नहीं, बहुत बहुत अच्छी बनी है। इनफैक्ट क्या मुझे इसकी रेसिपी मिल सकती है? राधिका ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, रेसिपी तो नहीं, पर आप चाहें तो मैं ऐसी चाय हर रोज बना सकती हूँ। आज हाँ, 30 साल बाद भी दोनों वही नमक वाली चाय पीते हैं। पाजी, लड़कियों ने गांव के पुराने बूढ़े से मिलकर पूछा, हम कब तक खेल सकेंगे कंचे, गुड़ियों और चीनी के खिलौनों के साथ? हाँ, बूढ़े ने कहा, बस तब तक जब तक गांव चाहे। और इसी के साथ ये था हमारा भाग एक। 7 कहानियां, अलग अलग किरदार, अलग अलग भाव। कैसा लग रहा है आपको? सोनू जी कह रही है नमक वाली चाय। जी हाँ, नमक वाली चाय। सुधा जी कह रही है ब्यूटीफुल। कमाल पल्लवी जी कह रही हैं, साहिल जी कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया कहानी। थैंक यू जुड़ने के लिए। अभी तो हमने बस कहानियों का ये सिलसिला शुरू किया है। भाग एक सुनकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह की कहानियां हम कह रहे हैं। कहानी में किरदार है, कहानी में स्टार्ट है, बिगनिंग, मिडिल, एंड। कहानी में वो सब बातें हैं जो कहानी को एक कहानी बनाती है। उस दुनिया में आप प्रवेश कीजिए तो वो कहानी कितनी भी बड़ी दुनिया हो सकती है। और यही हमारी कोशिश है कि कैसे इन छोटी कहानियों, इन चंद शब्दों में भी एक दुनिया समेटी हुई है। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 7 कहानियां सुनी है आपने और हमारे पास है कुल 25 कहानियां। तो हम आगे का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे, अगर आप सब तैयार हैं तो। आशा है आपको मजा आ रहा है, आशा है आपको खुशी हो रही है और आप भाग दो के लिए एकदम एक्साइटेड है। चाहते हैं कि मैं बस स्क्रीन से जल्दी हट जाऊं और हम ये दूसरा भाग आपके साथ में शुरू करें। जी हाँ, तो बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, कुछ और कहानियां, कुछ अलग रंग बिखेरने के लिए आप सबके साथ। राजीव ने रिपोर्ट कार्ड देखकर बेटे को डांटा तो उसके पिता बोले, बच्चे को डांटते नहीं, उन पर नकारात्मक असर पड़ता है, समझे? अपनी पीठ पर डंडे के निशान याद कर राजीव हैरानी से उन्हें देखने लगा।
भैया, हम और तुम अलग अलग क्यों हो गए? छोटू, क्योंकि पापा कहते हैं कि उनको और मम्मी को कोर्ट ने अलग कर दिया, क्योंकि मम्मी ने उन्हें सॉरी नहीं बोला था। कमाल है, मम्मी भी यही कहती है कि पापा ने उनको सॉरी नहीं बोला। क्या हुआ आज फिर सीने में दर्द? हाँ, ये बढ़ता ही जा रहा है। लगता है सीने में कुछ चुभता सा रहता है। कितनी बार बोला है, डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं लेते? थोड़ी देर बाद आईने के सामने पति के अक्स ने कहा, दर्द उसी जगह है ना जहां मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत से वो अपनी उंगलियों से तुम्हारे साथ अपना नाम उकेरा करती थी। कई बार मन सवाल करता है, क्या वो मुझे अब भी याद करता होगा? और फिर खुद ही जवाब भी देता है, जरूर करता होगा। बारिश उसके शहर में भी तो होती है। अनजान शख्स ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर जोर से खींच लिया। मेरा चिल्लाना, छटपटाना और खुद को छुड़ाने का हर प्रयास विफल रहा। उसने तब तक मुझे जकड़ कर रखा जब तक वो रेलगाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। और फिर मैंने कानों में कहा, तुम्हें जीना होगा। नहीं बिटिया, मैं ऐसे तुझे अकेले दूसरे शहर घूमने की इजाजत नहीं दे सकती ना। शादी के बाद ना जो मन हो, जहां जाना हो जाया करना। अरे माँ, तो आप भी चलो ना मेरे साथ, आपका भी घूमना हो जाएगा, मेरी सेफ्टी भी हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, घर गृहस्थी के झंझट से मुझे कहां फुर्सत है। अब तेरे पापा का खाना पीना और पता नहीं जाने देंगे भी या नहीं। बेटी ने मां को जैसे देखा, मां के मुंह से निकल गया, तू चली जा बेटा, तू अभी ही चली जा। चोटी पर बैठा सन्यासी चहका, धूप है, तलहटी का गृहस्थ बोला, नहीं सर्दी है।
रात सोने से पहले जब घर की खिड़कियां बंद करने जाती तो वो, हाँ वो, उस चौथे माले के घर की खुली खिड़की से छत पर टंगा पंखा नजर आता। आज उस पंखे पर कोई और भी टंगा था, आज सुबह ही 12वीं का रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था। तो ये था भाग दो, 15 कहानियां डन। कैसा लग रहा है आप सभी को? आपने बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में 15 अलग अलग दुनिया, 15 अलग अलग किरदारों की दुनिया देख ली है, समझ ली है, और उनके बारे में, उनके जीवन का एक छोटा लेकिन बहुत ही अहम हिस्सा आपका हिस्सा बन चुका है। आपके कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं। शुभांगी कह रही हैं बेहद शानदार, रेनू जी कह रही है वाह मन को छूती कहानियां, सारा क्रेडिट हमारे राइटर्स को जाता है, तो हर कहानी के नीचे जो आप राइटर का नाम देख रहे हैं उन्हें भी जरूर शाबाशी देते रहें क्योंकि वो ही है जिनके कारण कहानी है। पल्लवी जी कह रही हैं, पूनम अहमद जी ब्रिलियंट स्टोरी, बहुत ही शानदार। पूनम पाठक जी कह रही हैं जिनकी खुद एक कहानी आगे आने वाली है, बहुत ही खूबसूरत अनोखा अंदाज। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सब हमारे साथ इस लाइव में, इस कार्यक्रम में जुड़ पाए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आज से पहले किया नहीं गया। इतनी छोटी कहानियां एक ग्रुप के साथ, सारी नई कहानियां जो कभी किसी ने पढ़ी नहीं उसे लिखा और फिर उन्हें परफॉर्म भी किया जा रहा है इस तरीके से कि आप उस दुनिया में प्रवेश कर सके। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जो लाइव नहीं जुड़ पाए और आगे रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं उन्हें भी पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वो भी ये सारी कहानियां उतने ही मजे से देखेंगे, सुन रहेंगे और एंजॉय करेंगे जितना हमें इसे बनाने में मजा आया है। तो बिना कोई और विलंब किए आगे बढ़ेंगे और कहानियों का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले भाग में है 10 कहानियां, 10 और दुनिया आपके लिए पेश है। उसकी विदाई में उसके पापा भी साथ ही ससुराल आए थे, वो नहीं जी सकती थी उनके बिना, एक पल भी नहीं। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में वो उसके पापा ही तो थे जो बिना कुछ कहे उसके हर फैसले में साथ खड़े थे। नए घर में अपना सामान लगाने से पहले उसने उस तिरंगे को चूमा और आशीर्वाद लिया जिसमें उसके पापा लिपटे आए थे जब वो महज 8 साल की थी, और तब से यही तिरंगा उसके पापा की अनुभूति अपने में समाए उसके साथ था। सुन, तुझे पता चला कल सुमित की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई? कौन सुमित? कमाल करती है यार, कॉलेज में तो पागल रहती थी उसके लिए और अब पूछ रही है कौन सुमित? मुझे बहुत काम है, अभी बाद में बात करते हैं। भरनाई आवाज को छुपाते हुए उसने फोन काट दिया और कांपती उंगलियों से मोबाइल के पिछले सारे मैसेजेस डिलीट करने में जुट गई।
तराजू के दो पलड़े थे, एक में बेटे की डिग्री रखी थी और दूसरे में पहले माँ के गहने रखे गए। कुछ ना हुआ, फिर बाप की जमीन रखी, तब जाकर दूसरा पलड़ा ऊपर उठा और आजकल वो लड़का बेरोजगार घूम रहा है। अरे यार, तुम्हारे आंगन में इतने कैक्टस क्यों हैं? आरव ने अपने दोस्त विनीश से पूछा तो विनीश ने कहा, भाई उसकी याद में जो गुलाब के फूल लगाए थे ना, उसमें तो कभी फूल आए ही नहीं, इसलिए मैंने कैक्टस लगा लिए। और हाँ, अब इन कैक्टस पर फूल आने लगे हैं। ओ हो, अरे बेटा, अब तुम परदेश से गांव वापस तो क्या ही आओगे? खैर, ये लो अपने माँ के संदूक की चाबी, दे कर गई थी बेचारी। संदूक में अपने बचपन की चीजें, टूटी पेंसिल, घिसी हुई रबड़, टूटा हाथी, छोटी गंदी सी गेंद, अध भरी ड्राइंग की कॉपी, टूटे रंग, पुरानी कमीज, छोटे मोजे देखकर अपनी मां की मौत पर अब तक एक भी आंसू ना बहा सकने वाला अब अपक अपक कर रो रहा था। एक कमरा, एक लाश, एक बंदूक, इन्हें घूरती मेरी दो गुनहगार आंखें, एक एम्बुलेंस, एक इंस्पेक्टर, एक रिपोर्ट, इन्हें टटोलती मेरी अनगिनत सांसें। डॉक्टर, खुदकुशी की है खुदकुशी, मैं नहीं 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 नहीं, मर्डर है मर्डर, एक शमशान, एक पुजारी, एक मंत्र, मुक्ति को व्याकुल मेरी रूह, कई अनसुनी बातें। माँ, माँ क्या सोच रही हो माँ? यही कि अगर तेरी दादी के कहने पर मैंने तुझे नौकरी ना करने दी होती तो बेटे के होते हुए भी
मैं वृद्धाश्रम में पड़ी होती। नेता हो या पुलिस, पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में डूबा है। क्या हाल करके रखा है देश का। भुनभुनाते हुए नीता ने टीवी बंद कर दिया। तभी उसके पति का ऑफिस से फोन आया। अरे सुनो, शाम के शो की टिकट नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन विनोद कह रहा है कि ब्लैक में इंतजाम करा देगा। अब बोलो क्या करूं। अरे बोलना क्या है, ले लो ना। मुझे कब से जानना है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब हमें एक दूसरे से मुलाकात कर लेनी चाहिए। पर क्यों? अरे क्योंकि तुमसे ये मैसेंजर पर बातें करने से और तुम्हारी डीपी को ज़ूम करके देखने से मेरा मन नहीं भरता यार। नहीं ना ना। अरे क्यों नहीं, मुझे मिलना है। नहीं 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 ना। अरे मुझे मिलना है बस। मुलाकात की जिद पर लड़की ने लड़के को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि डीपी तो उसने 10 साल पुरानी लगाई हुई थी। कितनी बार कहा है अपनी अकल ज्यादा मत चलाया करो, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आती। सही कह गए हैं तुलसीदास, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पत्नी पर बड़बड़ाते नेताजी अपने दल बल सहित सभा में जा विराजे। अरे देवियों और सज्जनों, हमारी संस्कृति में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। देवी का दर्जा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नेताजी के ओजस्वी भाषण पर पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। तो ये थी 25 कहानियां 25 मिनटों के अंदर। कैसी लगी आपको, कैसी लगी हमारी ये प्रस्तुति, कहानी क्लब का ये पहला प्रोग्राम, हमें जरूर बताएं अपने कमेंट्स के जरिए। पूरे शो के दौरान, हर कहानी के दौरान आपके कमेंट्स आ रहे थे और उससे पढ़कर हमारे परफॉर्मर्स, हमारे कलाकारों का मनोबल और भी बढ़ता रहा और कहानियां इसीलिए इतनी और अच्छी होती गई। पल्लवी जी कह रही हैं भाग 3 भी शानदार, पर मेरा फेवरेट तो अभी तक भाग 2 ही रहा। कमाल कर दिया आप सभी ने, कहानियों को शानदार किरदार मिल गए। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू। हम चाहते हैं कि आप सभी के अपने अपने फेवरेट्स हों और हमें बहुत खुशी है कि आपके लिए भाग 2 बहुत ही बढ़िया रहा। अनामिका जी कह रही हैं एक्सेलेंट। अनुपम जी कह रही हैं बहुत ही शानदार। पल्लवी जी कह रही हैं बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। हीना जी कह रही हैं ग्रेट यूनिक आइडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम। बिल्कुल, बल्कि इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि सारे कलाकार जिन्होंने कहानियां लिखी भी हैं, जिन्होंने अभी परफॉर्म किया है, उनमें से काफी भी कहानियां आपने सुनी, सभी ने बहुत ही मेहनत की है यहाँ इस पैगाम तक, इस मोड़ तक, इस आन पहुंचने के लिए। हमने हर रात लगभग पिछले 3 हफ्ता हर रात 9 बजे रिहर्सल्स किए हैं। बहुत लोगों ने डरते हुए कहानियां उठाई है, किरदारों को पहली बार प्रस्तुति कर इस तरह से प्रस्तुत करने का हिम्मत जुटाया है। तो आप लोगों की तालियां, आप लोगों के मीठे मीठे शब्द उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि
जो भी मेहनत की गई है वो मेहनत उनकी सफल रही, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं और इन कहानियों का लुत्फ उठा पा रहे हैं, इन कहानियों का मजा उठा पा रहे हैं उसी तरीके से जितना हमने इन्हें बनाने में, इन्हें आगे लाने में मजा लिया है। बहुत सारी तालियों के साथ में आप सब स्वागत कर रहे हैं कहानियों का, क्योंकि तालियों का सिलसिला जारी है। मैं एक बार फटाफट इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा हमारे परफॉर्मर्स को, हमारे कलाकार जिन्होंने आज सारी कहानियां परफॉर्म की है, जिन्होंने कहानियां लिखी उन सब की नाम तो आपने कहानियों के साथ पढ़ी लिए, और हमारे कलाकार जिन्होंने कहानी परफॉर्म की, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, वो हैं दीप्ति मित्तल, पूनम अहमद, लकी राजीव, नेहा पंत नुपुर, डॉक्टर सुषमा, राजेंद्र श्रीवास्तव, पीयूष अग्रवाल। अब मैं चाहूंगा कि मैं उन सबको यहाँ आपके समक्ष लाऊं और वो आपके साथ अपनी अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा शेयर कर सके, तो मैं एक कदम पीछे लूंगा और उन्हें लाऊंगा मंच पर ताकि वो आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस भी और आपको बता सके कि कैसे कितनी मेहनत मैंने करवाई है उनसे पिछले कुछ दिनों में। आप सब सबको शुक्रिया, आपने हमारी इतने मन से कहानियां सुनी और हमारे साथ इस लाइव में शामिल हुए, आप सभी का धन्यवाद है, सभी कहानियां सुनने पढ़ने वालों का। कहानी क्लब की तरफ से हम सभी का स्वागत भी करते हैं और आभार देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम सबका जो एक्सपीरियंस रहा है कहानी क्लब के साथ जुड़ने का और दूसरे लेखकों की कहानी को खुद उसमें ढल जाना एक पात्र की तरह और उस कहानी का किरदार बन जाना और परफॉर्म करना बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। अभी कमेंट भी आया था किसी का, तो सच में पीयूष जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, कहानी क्लब की टीम को हम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सबको कि आप सबने यहाँ रहते हुए हमारा हौसला खूब बढ़ाया, और सारे लेखकों के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे बस इतना ही कहना है कि जितने दिन हम लोगों ने ये कार्य किया एक साथ मिलकर, एक परिवार की तरह जुड़कर हम लोगों ने रोज सीखने का हमको अवसर मिला, और पीयूष जी एक हेडमास्टर की तरह हम लोगों को पूरी तरह सिखाते रहे, जहाँ नाराज भी होना होता है वो भी किया उन्होंने, जहाँ पीठ थपथपानी थी वो भी उन्होंने थपथपाई, और अब हमारा परिवार आप लोगों के साथ जुड़कर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा परिवार हो गया है। आप सबकी बधाइयाँ, आप सबकी दुआएं, आप सबके शुभकामनाएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है, और मैं फिर से पूरी हमारी जो टीम है उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, पीयूष जी के प्रति धन्यवाद, और सभी सुनने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी क्लब की तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो आज यहाँ हमारे साथ लाइव जुड़े, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अपनी पूरी टीम के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया, पीयूष जी ने बहुत अच्छी चीजें सिखाई, बहुत अच्छा लगा, आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं भी इनकी कहानी क्लब की ही एक सदस्य हूँ और मेरा ये पहला प्रयास था कुछ भी करने का, तो बहुत मजा आया सीखने में, खासकर सीखने में जो हमें आनंद आया सबका एक साथ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम था, और हमें देखने के लिए, हमारी प्रस्तुतियां सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। सबको नमस्कार, मैं इतना ही कहना चाहूंगी मैं कहानियां लिखती हूँ, कहानी पढ़ने का, परफॉर्म करने का ये मेरा पहला मौका था, तो मेरी तरफ से कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए माफी चाहूंगी, कोशिश करेंगे अगली बार और इम्प्रूव हो। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पूरी टीम के साथ, वाकई परिवार जैसा एक्सपीरियंस रहा है। 3 हफ्ते से हम रोज शाम को मिलते थे, प्रैक्टिस करते थे, और पीयूष जी ने वो काम करा लिया हम लोगों से जो हमने नहीं सोचा था कि हम ऐसा कभी कर पाएंगे। थैंक यू। पीयूष जी की पूरी मेहनत है इसमें, जो उन्होंने हम लोगों को इतना ट्रेन किया और कैसे प्रस्तुति देनी है, उसके लिए हम सब लोग आपका थैंक्स कहेंगे। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद, लकी जी और आप सभी का। ये मैं बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि ये थैंक यू पीयूष समारोह बनते जा रहा है लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ मिलकर मेरे साथ इस कुएं में छलांग लगाई, और बड़ी हिम्मत, बड़ी भरोसे के साथ में आप सब
मिले रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कितनी मेहनत और कितना काम आप सभी ने किया है। तो इसी के साथ में कहानी क्लब की ये पहली प्रस्तुति में आप सबके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इसी तरह जुड़े रहिए इंडी पॉडकास्टर की जो कहानी क्लब जिससे निकल कर आया है, कहानी जानी अनजानी इंडी पॉडकास्टर से, उससे जुड़िए। फेसबुक पर अब हम कहानी क्लब के नाम से हमारा एक ग्रुप है, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। चाहे आप लिखते हो या कहानियां पढ़ना पसंद हो, आप उसमें जुड़े और हमारे साथ आगे बढ़े। हम आगे और कोशिश करेंगे कि इसी तरह के नए प्रस्तुति, नए चीजें लाते रहे आप तक। और अगर आपको ये कोशिश पसंद आई, ये मेहनत पसंद आई जो कि हमने इस फेसबुक लाइव पर आप सबके सामने प्रस्तुत की है, कृपया करके इसे, जैसे ही ये कार्यक्रम अभी खत्म हो, इसे शेयर करें, इसे बाकियों को कहें कि भाई जरूर देखें और 25 की 25 कहानियों का पूरी तरह लुत्फ उठाएं। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि कहानियों का ये सिलसिला चलता रहेगा, हम यही हैं, आप यही हैं, कहानियां भी यही रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।